तो बहुत बहुत स्वागत है और ये अद्भुत आवाजें जो आप सुन रहे हैं, घनघोर ऊर्जा से भरे हुए कांग्रेस है, बीजेपी है, पीछे आवाम शांत खड़ी है। लेकिन आवाम नारों के बीच शांत ना रहे, वो भी अपनी ऊर्जा दिखा सकती है। मेहमानों से तारुफ करवा देते हैं। आम आदमी पार्टी, उनका मैंने जिक्र नहीं किया, तो उन्होंने भी नारे के द्वारा दिखा दिया कि वो भी दरअसल है। पाटन के इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं पहले ही कह देना चाहता हूं। और नारे सुन रहे हैं आप, बहुत खूबसूरत प्यार से भरा हुआ ये शहर, ये विधानसभा सीट कुम्हारी में मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूं। ऊर्जा से भरे हुए लोग हैं। कभी कभी ऊर्जा घनघोर ऊर्जा में चली जाती है, तब ऊर्जा को संयमित करना पड़ता है। सबसे पहले मेहमानों से तारुफ करवा देता हूं आपका मैं। भाजपा की तरफ से निश्चल वाजपेयी जी हमारे साथ, बहुत स्वागत सर आपका। कांग्रेस की तरफ से राजेंद्र साहू, आप पाटन के प्रभारी भी हैं। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी की तरफ से अमित हिरवानी साहब, आम आदमी पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी मतलब जो झाड़ू थमाया गया है वो भी इन्हीं के हाथ में थमाया गया है। और ये जो चौथा पोडियम है, दरअसल ये खाली नहीं है, ये कुम्हारी की जनता का है। ये जो पोडियम है ये पाटन की जनता का है, ये छत्तीसगढ़ की जनता का है, ये पूरे प्रदेश की जनता का है। चलिए, ऊर्जा थोड़ी कम हुई है, अब सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। और ये तमाम एक बार जरा भीड़ देख लीजिए, अद्भुत भीड़ है भाई, बहुत अद्भुत। शो में अगर किसे गिना जाएगा तो उसमें ये होगी। बस अब हम जितना शोर करेंगे बहुत सारी चीजें, चलिए मेरा ख्याल है पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है। ठीक। चलिए, बहुत अच्छी बात। बैठ जाइए प्लीज। अगर शोर में मुद्दे चले जाएंगे, मुद्दे खो जाएंगे, तो हम बात क्या कर पाएंगे, मानते हैं आप? मैं आपसे सिर्फ 20 मिनट मांग रहा हूं। 20 मिनट बाद आपको अगर ऐसा लगे कि शोर करना है, तब मैं भी शोर करूंगा, सबकी तरफ से, आवाम की तरफ से। यह आवाम का पोडियम है और यह खाली है। चलिए शुरुआत करेंगे कांग्रेस की तरफ से। आखिर कांग्रेस को मौका दिया क्यों जाए? कांग्रेस जी बोलिए। तो कांग्रेस की तरफ से हम शुरुआत करने जा रहे हैं और सबसे पहले राजन साहू साहब, पाटन प्रभारी। कांग्रेस पार्टी ने जी प्लीज 2018 में जितने वादे किए थे सब वादे हमने पूरे किए। किसान का कर्जा माफ हुआ, 2500 में धान खरीदी हुई, बाद में 2640 में भी धान खरीदी हुई, 2 रुपए किलो गोबर खरीदी कर रहे हैं, साथ ही साथ राशन सभी को दे रहे हैं, चाहे APL हो चाहे BPL हो। और हम जनता को, जो गरीब जनता है, उनको स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम स्कूल खोलकर उन्हें शिक्षा, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हमने काम किया है, चाहे हाट बाजार क्लिनिक योजना हो, मोहल्ला क्लिनिक योजना हो, शासकीय जितनी भी अस्पतालें हैं उनका हमने उन्नयन किया है, उसमें मशीनों का, उपकरणों का इतना अच्छा काम किया है कि लोग अब सरकारी अस्पताल की ओर रुख कर रहे हैं। जी जी। और साथ ही साथ हमने जो किसानों का धान जो 15 क्विंटल था, 20 क्विंटल भी हम खरीदी कर रहे हैं। जी। और अब तो आपने बढ़ा भी दिया है मेरा ख्याल। हाँ, 3200 रुपये में 20 क्विंटल ठीक खरीदी कर रहे हैं। वाजपेयी साहब की मुस्कुराहट का राज क्या, आप मुस्कुरा रहे हैं, चलिए प्लीज। देखिए, राजेंद्र भाई ने बड़ी खूबसूरती से वो काम किया है जो कांग्रेस पार्टी जिसके लिए जाना जाती है, झूठा प्रचार और आकंठ भ्रष्टाचार। हमने कर्जा माफ किया कि नहीं किया? आपने सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा माफ नहीं किया। अरे भाई, हमने 9,500 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया, आप लोगों के जैसा नहीं। बात रख लेने दीजिए। 14,00,000 करोड़ आपने अडानी अंबानी का माफ किया। बात रख लेने दीजिए। अडानी अंबानी के लोग नहीं है हम लोग। बोला कर्जा माफ करेंगे, अडानी अंबानी का कर्जा माफ नहीं किया, 8 बार के कर्जा माफ किया इन्होंने। अरे आप क्या लेके आए हो ये बताओ ना, ये बोल आपने 2500 रुपए, आप 15 साल में क्या किए उसको बताइए। इन्होंने 2022 का पैसा भी पूरा नहीं दिया है, ये बोल देगी 2022 का पैसा पूरा दे दिया है, 2023 का तो दिया ही नहीं है।
रुक जाए अरे हम एक मिनट आम आदमी पार्टी असम के बीच प्लीज वाजपेयी साहब प्लीज नहीं नहीं मैंने सुना ऐसी बात नहीं प्लीज जी इन सबके बीच आम आदमी पार्टी मौका चाहती है क्यों कर्ज माफी की बात अगर हम लोग छत्तीसगढ़ में करें तो हमारे जो वरिष्ठ हैं राजेन भैया हैं उन्होंने कहा कि सभी किसानों का कर्ज माफ हुआ छत्तीसगढ़ में मैं खुद किसान हूं पहले यह बताना चाहूंगा छत्तीसगढ़ में सभी किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है इसलिए नहीं हुआ है राष्ट्रीयकृत बैंकें जो थी जो जिला की तरफ से उनका भी जवाब देने वाला हूं मैं जो राष्ट्रीय जो नेशनलाइज बैंक थी और जो प्राइवेट बैंक थे जहां से किसानों ने कर्ज लिया था वो जरा भी माफ नहीं हुआ है सिर्फ जिला सहकारी का ही कर्ज माफ किया गया है उसमें भी एक मिनट मुझे बोलने की 15 लाख जुमला वाला बीच में ना बोले 15 लाख जो जुमला दे चुके हो मुझे बीच में ना टोके देखिए अब ये एक ही बात बोलेंगे तो मैं जवाब दूंगा आप जब बोल रहे थे तो मैंने आप जब बोले आप जब बोले तो मैं कुछ नहीं बोला हूँ मैं झूठा जवाब दे रहा था आप जब बोले तो मैं बिल्कुल झूठा मैं अब आप जब मैं बोलूंगा तो सबको सुनना होगा यहाँ पे जब मैं बोलूंगा तो आपको भी सुनना होगा चलिए शोर में जाया मत करिए प्लीज हमारा समय शोर में जाया मत करिए कोई सा कांग्रेस जी मैं एक मिनट अगर आप लोग सब प्लीज बात सुनेंगे तो मैं बात करूंगा सबसे पहले भैया बोले मैं किसान हूं करके ठीक है यहाँ पर हर एक बच्चा भी जानता है कि स्वप्निल उपाध्याय ही किसान है बाकी सब फर्जी किसान घूम रहे होंगे बात अलग है मैं आज भी दो बजे तक मैं खेत में पसीना बहाया हूँ घर आके खाना खाया एक घंटा आराम किया अब छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा के लिए निकला हूँ चलिए छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा प्लीज कर्जा माफ की बात जी इतना शोर हो रहा है क्या कहेंगे शोर करने से गलत चीज को सत्य सिद्ध नहीं किया जा सकता गलत अपनी जगह रहेगा सही रहेगा कर्ज माफ पूरा संतुष्ट है हर किसान उत्साहित है और आगे जो किया गया उसके लिए उत्साहित है कर्ज माफी से किसान संतुष्ट है कर्ज माफी जी ये जो आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं जुमला फैला रहे 15 लाख का पहले सुन लीजिए प्लीज पब्लिक को सुन लीजिए अरे साहब प्लीज आम आदमी पार्टी बोल रहे हैं 15 लाख इनके 3-3 मंत्री तो भ्रष्टाचार में अंदर है इनके जमानत इनका इनका सिर्फ विकास हुआ है दारू घोटाला ये घोटाला करके आए हैं आम आदमी पार्टी को लेकर इसका जवाब भी ले लेंगे आप कुछ कहना चाह रहे थे भाजपा के कार्यकर्ता गली गली शराब बेच रहे हैं शराब के मसले पर बाद में आएंगे पब्लिक की तरफ से कोई सवाल जी सर उन्होंने 5 साल में छत्तीसगढ़ का विकास किया लेकिन अपने क्षेत्र जहां रहते हैं पदुम नगर 14 का कभी विकास नहीं हुआ अपना विकास एक मिनट सवाल प्लीज महिला जी देखिए इन लोग तो बोल रहे हैं ना किसान टाइट है लेकिन राइट है राइट किसान चलिए ठीक एक रिएक्शन और मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि अभी भैया निश्चय भैया ने बोला कि हमारी सरकार किसानों का कर्जा माफ करेगी अगर भैया आपकी सरकार किसानों का इतना सुन रही थी तो 2022 में 3 कृषि कानून क्यों वापस लिए क्यों लाए थे क्यों वापस लिए कृषि कानून क्यों वापस लिए गए ये सवाल आ गए हैं बारी बारी से आप इनके जवाब देंगे मैं आ रहा हूं अब देखिए कितनी अच्छी बात है कि जिसके पास भी जाओ वो माइक पकड़ता है भाई मेरे लिए भी कोई काम बचने दो हैं चलिए ठीक जवाब ले लेते हैं जी प्लीज ये जो सवाल आए हैं आपके लिए शराब का एक मसला जो हमेशा ये है कि ये बोल रहे हैं राष्ट्रीयकृत बैंक का भी कर्जा माफ हुआ है जी लेकिन जो नीतिगत हम लोन देते हैं उसी आधार पे माफ हुआ है कोई 4 लाख 5 लाख लिया है 1 एकड़ में उसका नहीं हुआ है जो हमारा 44,000 था उस समय वो माफ हुआ है प्रति हेक्टेयर अभी 58,000 रुपये प्रति हेक्टेयर हम बिना ब्याज के ऋण देते हैं किसानों को
अगर अभी इस बार कर्जा माफ होगा तो 58,000 प्रति हेक्टेयर ही मान दे नियम के हिसाब से आप नियम के हिसाब से इनको जानकारी नहीं है। अगर ये किसान होते तो इनको जानकारी होती। बोलिए बोलिए। और रही बात ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, झूठ तो बैंक का कर्जा माफ नहीं हुआ ये सब जानते हैं। मैं बोल रहा हूँ माफ हुआ है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। राजेंद्र दोनों समय मत बोलो। हाँ प्लीज बोलिए बोलिए आप बोलिए। आप बोलिए राजेंद्र जी। प्लीज कर्जा माफी जो इनकी नीति है, जो बड़े किसान है, जो 10-20-30-40-50-100 एकड़ वाले किसान हैं, उनका 5 लाख 10 लाख 20 लाख का कर्ज। बस एक शॉट में एक सवाल, बीजेपी से एक सवाल, बीजेपी से मेरा सवाल, वाजपेयी साहब बीजेपी से। जी वहाँ छोटे किसान और मजदूर घरों की महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी 50,000 महिलाओं के खाते में सुन लीजिए। अगर हमारे छोटे मजदूर और हमारे जो छोटे किसान है उनके भलाई के लिए भारतीय जनता पार्टी ने नियम लगाया है, पैसा जाना है और छोटे किसान का 5,000 का कर्जा माफ करते हैं। उनकी संख्या आम आदमी पार्टी की तरफ चलेंगे। जवाब जितने छोटे होंगे, जवाब जितने छोटे होंगे उतने ज्यादा मैं सवाल कर पाऊंगा। ठीक ठीक प्लीज सरकार के जाति विराती पाटक। ठीक वाजपेयी साहब, अरे अनुशासन वाली पार्टी है आप, अनुशासन वाली पार्टी है आप। भारती साहब प्लीज। दोनों सरकारों से, कांग्रेस और बीजेपी की सरकार से और जनता से मेरा कहना है, क्या गांव के गली गली में शराब बिक रहा है कि नहीं? और यहां सारी जनता है वो बताए कि इस गांव की गली में शराब बिकता है। शराबबंदी की बात आई, एक तथ्य पूरी जनता को जान लेना चाहिए, एक तथ्य जो पूरी जनता जान ले, जो यहां है वो भी जान ले और जो पीछे है वो भी जान ले और जो टीवी पर देख रहे हैं वो भी जान ले। बीजेपी की सरकार के दौरान ही छत्तीसगढ़ का जो शराब का रेवेन्यू है वो चंडीगढ़ के बराबर आया था, जो उनके दौरान आया था। तथ्यों को अपने तरीके से देखें आवाम और वोटर। प्लीज अब आपके पास मैं आ रहा हूं। जी गंगा जल की कसम क्या हुआ? जिस सवाल लेंगे, शराबबंदी क्या हुआ? जिसको हम पवित्र मानते हैं गंगा मैया है ना, उसका हाथ में कसम लेकर के शराबबंदी करूंगा बोलना, तो ये लबरा की पहचान है कि नहीं है? पाटन के मुद्दे पर, पाटन के मुद्दे पर कोई बोलेगा, कुम्हारी के मुद्दे पर कोई बोलेगा, पब्लिक में से युवाओं की क्या समस्या है? कुम्हारी पाटन की क्या समस्या है? एक कुम्हारी का गंभीर विषय था, जो पूर्व में यहाँ पर जल संरक्षण के हिसाब से एक तालाब जो हमारे यहाँ पर बना हुआ था कुम्हारी का, बड़े तरिया, आज उस बड़े तरिया को विकास का नाम दे करके उसकी 7 एकड़ जमीन को पूरा पाटने का काम और उसके माध्यम से जो है पैसा कमाने का काम हमारी पालिका। बड़े तालाब से जुड़ा हुआ सवाल भारती साहब, बड़े तालाब से जुड़ा हुआ सवाल। बढ़िया सवाल किया उसने। जी छत्तीसगढ़ में एक ऐसा बड़े तरिया बने हैं जेकर देला देखे पर दूर दूर से लोग ना आते। ये कुम्हारी के विकास है, ये कुम्हारी के विकास है। इतने लोग आ रहे हैं देखने, उसका विकास हुआ है और उसमें स्वच्छता हुई है। और जल संरक्षण की बात है तो हम लोग छत्तीसगढ़ में नरवा गरवा घुरवा बारी के माध्यम से लगभग 13,500 नरवों का उन्नयन कर रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में तालाब की सफाई योजना चल रही है। ये 13,500 नरवा का हम लोगों ने उन्नयन किया है। चलिए चलिए ठीक 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 आपके पास आना चाहूंगा। एक बड़ा मसला, अब जरा रोडमैप की और आगे की बात कर लें या हम 70 साल से जिन नारों में उलझे नारों में ही रहेंगे? क्या रोडमैप, क्या प्लान? मैं एक चीज मैं बोलूंगा, मुद्दे से हम बाहर जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले शराब की बात निकली, आम आदमी पार्टी का मुद्दा और रोड मैप प्लीज। मैं बताना चाहूंगा, मैं मेरे साथ पाटन के ग्रामीण भी हैं साथ में जो मेरे कार्यकर्ता हैं, आप उनसे एक बार ओपिनियन लीजिए कि क्या शराब को लेकर के जो प्रॉब्लम आ रही है गांव में, क्या वो गलत है या सही है? वो यहीं पर बैठे बताएंगे, गांव के लोग हैं मेरे साथ में चल रहे हैं, पूछिए एक बार उनसे।
पालिका अध्यक्ष भी हमारे बीच बैठे हुए हैं। पालिका एक बार उनसे पूछिए जरूर, साथ में आए, पाटन के ग्रामीण है, साथ में आए उनसे पूछिए जरूर। पालिका के नुमाइंदे भी हमारे बीच बैठे हुए हैं, आप हैं। तालाब का मसला भी आया और शोर भी बहुत आया, आपकी तरफ से बहुत शोर आ रहा है। मैं बताता हूँ, बंदर क्या जाने अदरक कछवा, करियम नहाए कभी। एक बात करता हूँ, जिन हाँ बाथरूम में कि नहाए बोर में टकराए जिन दरिया का बात ला जानेगा है नहीं। तो देख जल संरक्षण के बात करें, मोर बात ला पूरा पहली 15 साल पहले एक सरकार रही से, पालिका अध्यक्ष रही से, 27 लाख के टैंकर के पानी खा गए हैं है ना, और कच्चा पानी बेचे है। रुक बात पॉइंट टू पॉइंट, 27 लाख के 3 महीना में टैंकर चला डले हैं और टैंकर के पैसा क्या करते रहेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बैठे प्लीज, सवाल लेंगे पब्लिक से, सवाल लेंगे। मैं ये बोलना चाहूंगा, ये लोग एक तला बहुत, मैं ये चाहूंगा महादेव राज्य है, ठीक 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 ठीक। एक बड़ा मसला जो कुम्हारी के लिए, पाटन के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, पूरे देश के लिए है, वो है रोजगार। थोड़ी रोजगार पर बात कर ले, रोजगार पर बात करेंगे। आपकी सरकार ने, भारती साहब, आपकी सरकार ने रोजगार को लेकर आंकड़े जारी किए, बहुत बेहतर आंकड़े आपने दिखाए, पर जमीन पर अभी भी काम करने की जरूरत है। रोजगार आपके लिए चुनौती है। हम लोगों ने सभी वर्गों को रोजगार दिया है। कृषि के क्षेत्र में भी पहले 15.5 लाख किसान थे, आज 24,50,000 किसान खेती की ओर आ गए हैं। 24,50,000 का घोटाला किया। और सुनिए ना भाई, रुक जाइए, और हमारे जो लोग हैं, हमने नौकरियां 40,000 अभी भर्ती निकाली है। और दूसरी बात, स्व सहायता समूह को भी हमने, मैं थोड़ा सुधार करता हूँ साहू साहब, ये लोग 300 ठीक ठीक ठीक, हम 40,000 नौकरी मिली है, 40,000 लोगों की भर्ती जारी है, अभी भर्ती जारी हुई है, पता चला है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, दाऊ साहब मैं आऊंगा आपके आपके पास। देखिए देखिए प्रजापति जी, क्या है, आप बहुत अच्छी बात करते हैं CGPSC को लाकर, लेकिन व्यापम घोटाला, उसका कोई जवाब नहीं आपके पास। पहले पूरी बात, कोई जवाब नहीं, आप बात सुनिए। एक अध्यक्ष ने अपने परिवार के लोगों को नौकरियां बांट दी युवाओं के हिस्से की, और ये बोलते हैं कि बेरोजगारी में बात कर रहे हैं। 150 लोगों का आवेदन आता है, 2.5 लाख लोग पहुंचते हैं, जाम लग जाता है, ये इनके हाथ। 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का वादा किसने किया था? 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का, 150 पोस्ट के लिए आवेदन आता है, 2.5 लाख लोग आवेदन करते हैं। आज 18 करोड़ लोगों को रोजगार देना था, कितने लोगों को रोजगार दिया आपने? पीएससी पर आया एक, ये अति उत्साही कार्यकर्ता दिखाएंगे। मनीष भैया, पीएससी में घोटाला किया कि नहीं किया? पीएससी में घोटाला किया ना, युवाओं का ना, आप लोगों ने पूरे परिवार के लोगों को बांट दिया, पूरे छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ, ये पूरे छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ धोखा करने का काम किया। व्यापम में पहले भी घोटाला हुआ था, CGPSC का घोटाला अभी हुआ है, तो दोनों सरकार एक ही जैसे काम की उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। गरीब के राशन में घोटाला किया, 18 करोड़ लोगों को नौकरी खा, दोनों सरकारों ने रिवर्स समय में घोटाला किया, आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए मंच तैयार किया गया। गाय सबके लिए पूज्य है, गाय सबके लिए पूज्य है। बस सवाल मेरा दोनों राजनीतिक दलों से, रुक जाइए, एसटी वर्ग के युवाओं द्वारा जो नग्न प्रदर्शन किया गया वो छत्तीसगढ़ के इतिहास में काले पन्नों पे लिखा जाएगा। ऐसा नहीं होगा, अपनी बात पर हम खुश हो जाएं, और जब सवाल आए खुश होने वाले ये ना सोचे कि व्यापम को डाला नहीं हुआ था, आपको खुश होने की जगह बिल्कुल भी नहीं है। मेरा एक सवाल, क्या गाय पर मैं सवाल ले लूं? आप लोग खामोश रहेंगे? गाय पर मेरा सवाल दोनों राजनीतिक दलों से, आपने गाय को
माता की मान्यता दिलाने की तमाम कोशिशें की। कुम्हारी की ये रोड है, बगल में 100 मीटर में 18 गौवंश से जुड़े जानवर। क्या सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है? बतौर विपक्ष आपने कोई जिम्मेदारी निभाई? देखिए, हमारी संस्कृति गाय को माता मानती है, हमने नहीं दिलाया, हम तो उसमें उस मिट्टी से बने, हम सब गौ माता, कांग्रेस भाजपा सब गौ माता को अपनी माता मानते हैं। क्या कुम्हारी इस बात का जवाब देगी कि यहाँ पर, बात सुनिए यहाँ पर प्रजापति वाजपेयी, अरे आप बोलने नहीं देते तो फिर आप नहीं स्पीच नहीं, आपके पास जवाब होता है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, 18 गौवंश मैंने अपनी आंखों से देखा है, 18 जो गौठान की व्यवस्था है, इसलिए हमारी गौ माता सड़कों पर है और वो कट रही है क्योंकि गौठान में अव्यवस्था है। आप ये सवाल, जो गाय को गोबर को इकोनॉमी से जोड़ते हैं, सवाल उनके लिए जी प्लीज। गौवंश को, गौ माता को सेवा के लिए 2 रुपए किलो गोबर खरीदी चालू किया। गोबर का हमने स्वसहायता समूह के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया ताकि उन लोग अपने गोबर से गमला बनाए, खाद बनाए, ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं। और ये लोग गौशाला खेल खोल के व्यक्तिगत लाभ पहुंचाते थे, आज हर गांव में गौठान खोल के हमने जमीन को सुरक्षित किया, गाय को सुरक्षित किया। गौठान पर आम आदमी पार्टी, गौठान पर आम आदमी पार्टी प्लीज, मैं बोलना चाहूंगा। मैंने इतना उत्साह और इतना जोश देखकर लगता है कि पाटन में कहीं 150% वोटिंग ना हो जाए। प्लीज आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी प्लीज। गौठान, गौठान पर सुन लेते हैं प्लीज, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में गाय का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहा है किसानों के लिए। गौठान एक जो योजना है जो पूरी तरह से फेल हुई है, पहला चीज। और दूसरा चीज, आप ताली मत बजाइए, 2 मिनट बोलने दिए मुझे। गौठान योजना फेल इसलिए हुई है ना कि मैं खुद गांव में हूं, मैं गौठान योजना जब आई थी तो इन्होंने जिस प्रकार काम किया, मॉडल गौठान बनाया, मॉडल गौठान बनाने के बाद उसको प्रस्तुत किया गया और सीईओ को और इंजीनियर को यह हिदायत दी गई कि इसी प्रकार से गौठान बनने चाहिए हर गांव में। लेकिन हुआ उसका उल्टा, कांटा तार जाली फेंसिंग, उस पर हमेशा मुद्दा रहा, उस पर मैंने शिकायत भी किया था, हमेशा गोल मोल बातों को घुमाया गया। जब गाय वहां पे मर गई कांटों से या बीमारी से, ग्रामीण पशु शेड बनाया गया उसके, वहां पे जब गाय मर गई, जब हमने शिकायत किया लगातार, तीन साल बाद जब शिकायत हुई, मीडिया आया, तब कहीं जाके उस गौठान में तार जाली लगा। लेकिन मैंने शिकायत की तब लगा, ये हर गांव में लगना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मोतीपुर का आप जाए गौठान देखे, वो खाली पड़ा है वो। ठीक ठीक, आपका अभी मैं कैंपेनिंग देख रहा था, मैंने सीसीटीवी का जिक्र उसमें सुना जी, अच्छी बात है, बशर्ते आप उसे, मेरे पास 6 गाय है घर में, आप आके देख सकते हैं। 19,000 करोड़ मेरे लिए काम छोड़ दीजिए प्लीज। बोलिए, कुछ तजुर्बेकारों को भी सुन लो भाई। कुम्हारी में सबसे पहली बात तो यह, गाय पे विषय चल रहा है तो गाय पे मैं बोलूंगा। कुम्हारी का गौठान की स्थिति यह था कि गाय इधर मरे पड़े थे और बछड़े जो रहते हैं इधर उधर मरे पड़े थे। हम जब सुबह जाके वहां निरीक्षण किए, सभी गायों को उन्होंने उठा के हटा दिया गया। और गौशाला का मुद्दा, ठीक ठीक ठीक, नो नो, ये बीजेपी के लोग गाय गौठान की बात करते हैं, इनसे पूछिए कि जामुल के नगर पालिका उपाध्यक्ष इनके पार्टी के सभी गौवंश सड़कों पर क्यों है? छत्तीसगढ़ का पूरी गौ माता सड़कों पर क्यों है? गौठान में इनके ही कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर क्यों है? के नाम से 1,000 रुपए का लोन लेकर के खाया है और गाय मर गई इनके नाम। अरे दो भाई के कार्यकर्ता है, थोड़ा सा इनसे भी थोड़ा सा सवाल करें कि ऐसा क्यों करते हैं गायों के नाम पर। एक जवाब ये मैं मांग रहा हूं सबसे पहले कि सारी गायें सड़कों पर क्यों हैं? अगर गौशालाएं बनी हैं, गौठान बने हैं, सारी गायें सड़कों पर क्यों हैं? और उनके पैसे का जो घोटाला किया है गाय के पैसे का, पूरे दिन में देख लीजिए, भाजपा के लोग मई जून में जाते हैं और गौठान में गाय देखेंगे तो नहीं मिलने वाला है। इनको गांव की संस्कृति ही नहीं मालूम। अरे सुनना भैया, सुनना भैया, राजेंद्र भैया, गांव अगर तय कहा था कि रोका छेका के समय में गाय लेने, सुनना, गाय लेने कहा नहीं, रात के बता वर्मा जो है
वो गौशाला खोला गाय कट रही है, सड़कों पर बैठ रही है, कट रही है, आप बोल रहे हैं, ये आपकी संस्कृति, आप बोल रहे हैं आपकी संस्कृति है, काटने वाली मशीन लगी कवर्धा गाय उत्तर प्रदेश में जाके भैया बस 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 जाके देखिए ठीक 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 बहुत बहुत सर मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं टैक्स बढ़ाता हूँ, ना मैं भाजपा ना कांग्रेस ना आम आदमी पार्टी, मैं कका जी से कहना चाहता हूँ अगर किसानों का कर्जा माफ है, मैं टैक्स पेयर हूँ, मेरा टैक्स पैसा क्यों माफ किया। टैक्स पेयर से एक सवाल आया है, ठीक 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 भैया बिना तथ्य का बात ना करें, मान लो गौठान के बारे में बात करना चाह रहे हैं, 17 राज्य के आईएएस लोग ने गौठान देखने आया, उस लेकिन गाय अभी भी एक मिनट मेरा बात सुन लो, सड़क पे गाय, एक मिनट मेरा बात पे भाई ठीक 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 ठीक, ये जो गौ माता की सेवा करने वाले वही बोल रहे गाय सड़क में, अगर पता होता गौठान को आपने भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया, गौठान को आपने भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया, गौ माता मजबूर होकर के सड़कों पर है, ये दुखद बात है, मजबूर होकर के सड़कों पर है गौ माता, ये आपकी करनी का फल, हमारे तमाम दर्शक जो इस वक्त ये देख रहे हैं करनी का फल, और अगर पता होता अगर ये जानकारी भी होती कि पाटन की तरफ से इतना घनघोर प्यार मिलेगा तो हम अपने समय को और ज्यादा बढ़ाते, वक्त की कमी है, आप सब आए, आप सब ने बातों से ज्यादा नारे लगाए, बातें सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और इसी के साथ कुम्हारी से चुनाव एक्सप्रेस में इतना ही, इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।